देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है, तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। जल मीनार, घर घर में शौचालय का निर्माण, सड़क, बिजली और संपूर्ण विकास की ओर बढ़ता गांव, ये संभव हो पाया है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के आपसी समन्वय से। यानी ग्राम सभा की अलग अलग 8 समितियां गांव के मुद्दों को ग्राम सभा में लाती है और उन मुद्दों पर चर्चा कर उसे पंचायत में भेजती है और पंचायत प्रखंड में। इस तरह से कोई भी योजना पास होकर गांव में पहुंचती है, लेकिन ये प्रक्रिया इतना भी आसान नहीं होता। तो चलिए समझते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना क्या होती है। ये झारखंड के खूंटी जिला स्थित तोरपा प्रखंड का मरचा गांव है। आरसी मध्य विद्यालय के बच्चे अपने स्कूल में बाल सभा कर रहे हैं और उनसे जुड़ी योजनाओं के बारे में गांव की मुखिया सरपंच को रूबरू कराना चाह रहे हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, लड़कियों के लिए पैड, पंखा, डस्टबिन चाहिए, चप्पल भी चाहिए, हम लोग को फूल भी चाहिए, स्टाफ रूम चाहिए। ये चार्ट पेपर में आप लोग दर्शाए जो भी मानचित्र, उससे हम लोग को पता चला, और जो आप लोग नहीं दर्शाए हैं उसमें से भी कुछ कुछ योजनाएं आप लोग की तरफ से छूट गया है तो उस सबको भी चढ़ाइए। इधर इसी गांव की महिला भी पंचायत भवन में जमा हो अपने से जुड़ी समस्याओं को महिला सभा में रख रही हैं। हर साल GPDP होता है और उसमें योजना चढ़वाना है, लेकिन हम लोग कैसा योजना देते हैं उसमें दीदी? ज्यादातर तो हम लोग आवास चढ़वाते हैं। क्या आवास मिल जाने से हम लोगों का जीवन का सारा समस्या दूर हो जाता है क्या? नहीं। आप ही लोग जो है बताइएगा कि महिलाओं से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या क्या योजनाएं हैं, या हम लोग के जीवन में क्या क्या दिक्कतें हैं जो जिसका हम लोगों को समाधान करना चाहिए। जो एकल महिला है उसी दीदी को डाइन कह के मैंने बोला जाता है और उस दीदी को गांव से अलग किया जाता है और वो दीदी ना महिला समूह में जुड़ी रहती है और ना गाँव से, वो अकेले ही रहती है। दरअसल ग्राम विकास की योजना संविधान द्वारा 11वीं अनुसूची में दी गई 29 विषयों पर सरकार के द्वारा पारित योजनाओं के अनुसार बनाया जाता है और इसमें ग्राम सभा के साथ साथ पंचायत की भी भूमिका अहम होती है। महिला सभा और बाल सभा से योजनाओं को लेने के बाद अब बारी है उसे ग्राम सभा में पेश करने की और उस पर चर्चा करने की। आज यहाँ की ग्राम सभा में पंचायत के मुखिया, सचिव और सभी गांव के ग्राम प्रधान आए हुए हैं। अब वो पंचायत रा जन योजना रहता हाथ में ना इन सिलसिला रिबुसने का। दिलचस्प बात ये है कि ग्राम प्रधान जो गांव के पारंपरिक हेड होते हैं और पंचायत की मुखिया जिसे जनता चुनती है, उन दोनों का ग्राम सभा में एक साथ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो महिला समूह तेबू में ना, या तो महिला संगठन तेबू में ना, इन तेते दो हटो बहुत योजना को में ना खत्म तो ना दो अबू योजना चयनित प्रक्रिया रे ना दो अबू सेने तो घर में भी अगर सुबराते सीधा योजना एना में नगा एनते आड़ी को बगड़ा उतना एना को रा टीसी भी एमा का ना कुना मेण बांधी एना ताना सामूहिक योजना रे को एमा कदा चबूतरा सेट जल मीनार सामुदायिक भवन पेयजल निर्माण PCC रोड सोलर कूप। तो पहले क्या होता था, जिसको मन जो योजना चाहिए वैसा योजना उठा लिया, अपने लाभ के लिए उठा लिया, गांव के क्या मूलभूत आवश्यकता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते थे।
अभी हम लोग भी कोशिश प्रयास करते हैं कि जा करके एक अच्छी योजनाएं आप गांव के लिए बनाएं कि जहां पे रोजगार भी मिल सके और एक अच्छा एसेट्स भी हमारे लिए तैयार हो जाए भविष्य के लिए। तो वहां से फिर योजनाएं अभी जैसे आ रही हैं, तो अभी लग रहा है मिला जुला के ठीक योजनाएं आ रही हैं। देख रहे हैं हमारे ग्राम प्रधान कुछ लोग आए हैं, कुछ वार्ड मेंबर आए हैं। पिछले बार हम लोग ग्राम सभा किए, उसमें हम लोग किस तरह बातचीत किए। ये बसिया प्रखंड स्थित आर्या पंचायत है। यहाँ की मुखिया जसिंता बागे है। आज यहाँ ग्राम पंचायत समिति की बैठक हो रही है। ग्राम सभा में पास हुए सभी योजनाओं को पंचायत के योजना रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। इसके बाद ही उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रखंड स्तर में भेजा जाएगा। विशेषकर व्यक्तिगत योजना जब लेवी ला तो दादा दीदी मन के कोई मतलब नखे के कोई भी योजना से मतलब नखे। सब जनिक का के कहे ना कौन स्कूल घर ठिन चपाकल के जरूरी है, कौन ठिन का सिर्फ आवास चाहिए उमन के। प्रस्ताव संख्या एक में व्यक्तिगत योजना लेवे के रहे, प्रस्ताव संख्या दो में 15वें वित्त आयोग पंचायत योजना कहे ना सिके लेवे के रहे और अन्य योजना तीसरा में लेवे है। GPDP योजना बनाओ अभियान, वहाँ ग्राम प्रधान होते हैं, वहाँ वार्ड मेंबर होते हैं और सारे गांव के लोग आते हैं और सबसे पहले ग्राम सभा में ये चर्चा होता है कि किनको पहले योजना की ज़रूरी है। उसके बाद जो वार्ड मेंबर के दादा दीदी हैं वो लोग अपना रजिस्टर लेके पंचायत में इकट्ठा करते हैं और वे उन्हीं के द्वारा से योजना का जो प्राथमिकी होता है उसी के आधार पर फिर से कार्यकारिणी रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। उसी के बाद फिर से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला और जिला से फिर प्लान बन के आता है। उसी के बाद हम लोग फिर से उनको सूचना देते हैं और धरातल में काम शुरू होता है। एक पंचायत में 7-8 गांव हो गए हैं और उन सभी को समन्वय करना पंचायत का काम है, पंचायत से समन्वय करना प्रखंड का काम है कि बीच में जो सर्कल बना हुआ है पूरा कि गांव से जो समस्याएं वो आके पंचायत में रखे। अगर ग्राम सभा सशक्त होगी, पंचायत बहुत अच्छे सशक्त होगी तो जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की है मुझे लगता है क्षण करके प्रखंड तक आएंगे। पिछले 2019-20 के लिए तो दादा वही विजन मिशन बनाया गया था ना, उसमें सबसे ज़्यादा तो हम लोग पानी पर भी फोकस दिया था, तो उसी के आधार पर ग्राम सभा के लोगों को जागरूकता किया गया कि आप लोग पानी पर संबंधित ज़्यादा योजना दें, तो उसी से हम लोग जल मीनार लिए। आज गांव-गांव में ग्राम सभा और पंचायत मिलकर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर अपने गांव को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। आशा है कल के दिनों में और भी गांव पंचायत विकास योजना बनाकर इसका लाभ लेंगे।